नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ खबरों की तरफ। एटीएम कार्ड के जरिए पैसा निकालने के दौरान एटीएम मशीन को होल्ड कर बैंकों को चूना लगाने वाले 7 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 अपराधी नई उम्र के युवक हैं। इस संबंध में साइबर थाने में पत्रकारों को जानकारी देते हुए अपर पुलिस अध्यक्ष नगर विवेक त्रिपाठी ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक की फोर्ट शाखा के प्रबंधक नरेंद्र सिंह यादव ने साइबर थाने में मुकदमा कायम कराया था कि एटीएम मशीन को होल्ड कर बैंक को चूना लगाया गया है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की गई। अपर पुलिस अध्यक्ष के अनुसार इस सिलसिले में 7 युवकों प्रिंस राजपूत निवासी छोटा बेलमा समथक, रशद निवासी ग्राम नोटा थाना उल्दन, सत्यपाल निवासी हाटी नोटा, मोहित निवासी लोहारी थाना सकरत, सुमित निवासी सकरत, संतराम निवासी सकरत तथा अंकित यादव निवासी एसडी कॉलोनी बमरोली मोड को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान इन युवकों ने बताया कि वे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों आदि के बैंक खाते किराए पर ले लेते थे। उनके एटीएम कार्ड के जरिए विभिन्न बैंकों की एटीएम मशीन से पैसा निकालते थे। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने लगता था, वे रुपए निकलने वाले शटर को होल्ड कर देते थे, जिससे कुल राशि के बचे 1-2 नोट वापस मशीन में चले जाते थे और मशीन में ट्रांजैक्शन फेल दर्शाने लगता था। इसके बाद ये अपराधी संबंध बैंक के टोल फ्री नंबर पर ट्रांजैक्शन फेल की शिकायत दर्ज करते थे, जिससे बैंक उनके द्वारा अंकित की गई पूरी की पूरी धनराशि वापस कर देता था, जबकि वास्तविकता में उस राशि का 90% हिस्सा युवकों द्वारा निकाल लिया जाता था। इन युवकों के पास से 6 मोबाइल फोन तथा 3 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। कड़ाई से पूछताछ के दौरान ये भी जानकारी मिली है कि जिले के उल्दन थाना क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के आसपास भी इस तरह का गैंग ऑपरेट कर रहा है। एसपी सिटी के अनुसार सभी अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। साइबर थाने की टीम की इस सफलता पर झांसी रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। झांसी से पारस शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों की स्थापना की गई है। एक थाने की स्थापना रेंज साइबर क्राइम थाने के नाम से जनपद झांसी में की गई है। साइबर क्राइम थाना झांसी की टीम द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के निर्देशन में 7 ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है जो एटीएम फ्रॉड करके पैसे निकालते थे। उनके द्वारा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अन्य व्यक्तियों का एटीएम बैंक अकाउंट किराए पर लिया जाता था। प्रतिमाह 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, फिर उसमें कुछ धनराशि जमा की जाती थी, जैसे 20,000 रुपये जमा की गई, फिर उस पैसे को निकाला जाता था। निकालते समय उसका एटीएम का शटर होल्ड करके ऐसा किया जाता था जिससे कि वो फेल ट्रांजैक्शन दिखाता था कि वो होल्ड करने का तरीका इनका जहाँ से पैसा निकलता था उसको, जैसे 20,000 में से 2 नोट छोड़ दिया उन्होंने, वो मशीन वापस ले लेती थी और उसमें जब मशीन पैसे वापस लेती है तो ये नहीं पता चलता है कि कितना पैसा वापस गया, तो ये माना जाता है कि सारा पैसा वापस चला गया। फिर ये बैंक के नंबर पे कॉल करते थे कि साहब हमारा पैसा जो है वापस चला गया, नहीं निकला है, तो बैंक द्वारा ये पैसा इनके अकाउंट में वापस कर दिया जाता था। इस तरीके से इन्होंने लगभग 3,00,000 रुपये का फ्रॉड किया है और 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी है